नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई खबर में। और गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसको टीम इंडिया ने जीत कर इतिहास रच दिया। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई जिसमें टेस्ट मैच भी खेले गए, T20 मैच भी खेले गए, दोनों को टीम इंडिया ने जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। और उसके बाद अब 6 दिसंबर से वेस्ट इंडीज का टूर स्टार्ट होने वाला है। या दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टीम, दोनों टीम भिड़ेंगी। 6 दिसंबर को पहला T20 मैच खेला जाएगा, 8 दिसंबर को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा और तीसरा T20 मैच 11 दिसंबर को खेला जाएगा। 3 T20 मैच हैं और 3 वनडे हैं। अगर हम वनडे की बात करें तो वनडे पहला 15 तारीख को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 18 तारीख को खेला जाएगा एंड तीसरा वनडे कटक के स्टेडियम में 22 तारीख को खेला जाएगा। तो यहाँ पे एक पुराने खिलाड़ी की वापस होने की संभावना है पूरी। संभावना क्या है, बिल्कुल पक्का सा हो चुका है। BCCI के अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है कि सुरेश रैना की T20 मैच में वापसी हो सकती है, जो कि पहला T20 मैच खेला जाएगा 6 तारीख को। 6, 8 और 11 तीनों मैचों में वापसी हो सकती है सुरेश रैना की। तो गाइस, आप सभी को पता है पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि सुरेश रैना साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 मैच में वापस आएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका, T20 मैच में वापस नहीं आ पाए। उसके बाद बोला ये जा रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच होने वाले हैं T20 उसमें वापस आएंगे, मगर उसमें भी नहीं आ पाए। और दोस्तों, बिल्कुल पक्का हो चुका है कि T20 मैच जो होने वाला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का, जहां पे विराट कोहली कप्तानी करने वाले हैं, उसमें सुरेश रैना की वापसी हुई है। तो यहाँ पे आपको बता दूं खिलाड़ी के बारे में, तो पहला खिलाड़ी का नाम ये है विराट कोहली, दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा, KL राहुल है, शिखर धवन, ऋषभ पंत, मनीष पांड्या की जगह सुरेश रैना को लिया गया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर है, शिवम दुबे है, रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, यजुवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव है, दीपक चहर है, भुवनेश्वर कुमार है और मोहम्मद शमी। और दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना क्या सुरेश रैना अपनी पुरानी फॉर्म में दोबारा से आ सकते हैं T20 मैच में, क्या दोबारा से चौके छक्के लगा सकते हैं, जिन्हें T20 मैच का बादशाह कहा जाता है सुरेश रैना को, क्या वो दोबारा से चौके छक्के से आपका मनोरंजन कर सकते हैं और नया नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल घंटी आएगी, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी खबरों के साथ सबसे पहले अपडेट रहने के लिए। तो गाइस, बस इस खबर में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए UTV News 24।